दोस्तों कहते हैं ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता में भी एक औरत का हाथ था, वो थी उनकी माँ। उनकी माँ ने एक लाइन कही थी, उस लाइन ने नवाजुद्दीन की जिंदगी बदल दी। वो ये थी कि बेटा इस दुनिया में कचरे की भी जगह बदलती है, हम तो फिर भी इंसान है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बस यही लाइन ने उनके अंदर काम करने का मोटिवेशन जगा दिया। तो चलिए दोस्तों आज नवाजुद्दीन की लाइफ के कुछ ऐसे स्ट्रगल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी एक स्टार बनने में मदद करेगी। दोस्तों नवाजुद्दीन के 9 भाई बहन थे। उनका जन्म 1974 को यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से कुछ बड़ा करना था। वैसे तो वे ज्यादा गरीब नहीं थे पर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता था। नवाजुद्दीन एक बार गुजरात में एक कंपनी में एज अ केमिस्ट काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ न कुछ करना था इसलिए करते जा रहे थे। फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें एक गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया। यह देखकर वे बड़े खुश हो गए और कहा, यह बड़ा अच्छा काम है और शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। उन्होंने फौरन अपने दोस्त को यह बात बताई। दोस्त ने कहा कि अगर तुझे एक्टिंग करनी है तो तुझे दिल्ली जाना होगा। उन्होंने तुरंत अपनी जॉब को रिसाइन किया और दिल्ली चले गए। वहां जाकर नवाजुद्दीन छोटी मोटी एक्टिंग दिखाने लगे, पर इन एक्टिंग से उन्हें पैसे नहीं मिलते थे और आगे बढ़ने के लिए पैसों का होना जरूरी था। एक बार वे एकांत में चल रहे थे तब उनकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। उस पे लिखा था कि हमें सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन की जरूरत है। यह पढ़ते ही नवाजुद्दीन ने तुरंत कॉन्टेक्ट किया क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। भला कोई पागल इंसान ही होगा ना जो अच्छी खासी जॉब छोड़कर एक वॉचमैन की जॉब कर रहा हो। उन्हें एक टॉयज कंपनी में वॉचमैन की नौकरी मिल गई, लेकिन वे जब भी फ्री होते थे तब एक्टिंग करने की प्रैक्टिस करते थे और छोटी मोटी एक्टिंग दिखाते थे, पर दिल्ली में उन्हें कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था। तब उन्होंने सोचा कि अगर एक्टर बनना ही है तो मुंबई जाना होगा और वे मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के एक सीनियर से मदद मांगी। सीनियर उन्हें रखने को तैयार हो गया, पर शर्त थी कि नवाजुद्दीन को उसके लिए खाना बनाना होगा। मरता क्या ना करता, कुछ बड़ा जो करना था। नवाजुद्दीन इसके लिए भी तैयार हो गए। यहाँ उन्होंने पहले टीवी सीरियल में बहुत हाथ आजमाया, एक दो एपिसोड में काम किया, लेकिन कहानी वही खत्म हो गई। नवाजुद्दीन थोड़े मजा के टाइप के थे। उन्होंने कहा कि उस समय सीरियल में छोटे मोटे किरदार भी खूबसूरत लोगों को दिए जा रहे थे, अगर मुझे लेते तो दो चार लाइट एक्स्ट्रा लगानी पड़ती। अब नवाजुद्दीन ऑफिसेज के चक्कर काटने लगे, अगर कहीं जाते तो पूछा जाता क्या काम है। नवाजुद्दीन कहते एक्टर हूँ, जवाब मिलता लगते तो नहीं हूँ। फिर नवाजुद्दीन कहते कुछ करके दिखाऊं, और फिर वे वहीं पे कुछ एक्टिंग करके दिखाते। नवाजुद्दीन मुंबई की गलियों में अपना भविष्य तलाश रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं रिजेक्शन का इतना यूज्ड टू हो चुका था कि अब इसका कोई असर नहीं पड़ता था। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। नवाजुद्दीन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्हें इसी तरह के एक एक सीन वाले रोल्स मिलते, कभी चोर तो कभी वेटर तो कभी भिखारी। उस दिनों को याद करते हुए नवाजुद्दीन कहते हैं, लोग कहते थे कि ये गरीब दिखता है इसलिए इसे गरीब के रोल दो। ये बहुत कठिन समय था, महीनों सालों तक कोई काम नहीं मिलता था और जब मिलता भी था तो बस चंद सेकंड का अनइम्पोर्टेंट रोल। जब कोई इतनी मेहनत करे और सफलता ना मिले तो निराश तो होगा ही। नवाजुद्दीन के बुरे दिन देखकर गांव वाले कहते थे कि अब तो जानवर भी डिस्कवरी चैनल पे आने लगे, तू कब आएगा। ऐसे में वे घर जाने की सोचते, पर फिर ख्याल आता कि वे सिर्फ एक्टिंग करने के लिए बने हैं। जब सालों के स्ट्रगल के बाद भी नवाजुद्दीन को सफलता नहीं मिली तब माँ की कही एक बात उनका हौसला बनाए रखती थी कि बेटा 12 साल में कचरे की भी जगह बदलती है, हम तो फिर भी इंसान है, हमें हार नहीं मानना चाहिए। फिर इन्होंने एक बार और ट्राई की। 2010 में आई पी प्ले लाइव मूवी में जर्नलिस्ट का महत्वपूर्ण रोल दिया गया। इस फिल्म ने पहली बार उन्हें एक एक्टर के रूप में पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान एक से एक हिट फिल्में दी और अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। अगर वो चाहते तो वापस अपने घर जा सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर वो चाहते तो घर जाकर आराम से जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए नहीं जीने के लिए होती है और वे नहीं गए क्योंकि उनके अंदर एक जिद थी कि मुझे एक एक्टर बनना है और बनकर दिखाया। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना
तो भीड़ से अलग चलकर तो दिखा। दोस्तों मैं इस वीडियो को आखिर एक सुंदर कोर्स के साथ खत्म करना चाहूंगा। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, डले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख ए दोस्त, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे खुलने में हमेशा वक्त लगता है। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।